हेलो एवरीवन, आज हम लोग थ्री कॉलम कैश बुक देखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने सिंगल कॉलम कैश बुक देखा, उसके बाद में डबल कॉलम कैश बुक देखा और आज हम लोग थ्री कॉलम कैश बुक देखने वाले हैं। थ्री कॉलम कैश बुक जैसा कि नाम से ही लग रहा है, इसके डेबिट में भी तीन कॉलम होंगे अमाउंट के और क्रेडिट में भी तीन कॉलम होंगे अमाउंट के। तो वो तीन कॉलम कौन कौन से होंगे? डिस्काउंट का पहला, दूसरा कैश का और तीसरा बैंक का कॉलम होगा। तो हम लोग पहले फॉर्मेट बनाते हैं। ये हो गया डेबिट में डेट, ये हाँ डेट का हो गया, फिर पार्टिकुलर्स, फिर वाउचर नंबर, फिर लेजर फॉलियो और अमाउंट क्या होंगे, तीन कॉलम। ठीक है, एक डिस्काउंट, फिर कैश का और बैंक का। क्या क्या हो गया भाई? तो डेट, पार्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फॉलियो, अमाउंट का, ये तीन कॉलम कौन कौन सा? तो भाई ये डिस्काउंट हो गया, ये कैश का कॉलम हो गया, ये बैंक का कॉलम हो गया और इतना ही ये डेबिट में हो गया और इतना ही कॉलम होंगे क्रेडिट में भी। डेट, पार्टिकुलर्स, उसके बाद में वाउचर नंबर, उसके बाद में लेजर फॉलियो और अमाउंट के तीन कॉलम। एक हो गया डिस्काउंट, फिर कैश और बैंक। ये हो गया, ये फॉर्मेट है कैश बुक का। हम लोग कौन सा कैश बुक बना रहे हैं? तो वही थ्री कॉलम कैश बुक बना रहे हैं। तो कैश बुक बनाने के दौरान हर बार, हर वीडियो में मैंने बताया है कि जो भी कैश रिसीप्ट हो रहा है, जो भी रुपया आ रहा है बिजनेस में, वो डेबिट में दिखाना है और जो भी रुपया जा रहा है हमारे पास से, हम पेमेंट कर रहे हैं, उसे क्रेडिट में दिखाना है। तो सबसे पहले देखते हैं सवाल में, जून 1 2022 में है ये, तो यहां पे लिख दिया 2022, यहां पे लिख दिया डेट में 2022, 2022 का ये जून 1 को है। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, नगद का बैलेंस हमारे पास बिजनेस में और बैंक में हमारा पैसा, दोनों बैलेंस है, कैश इन हैंड भी है, कैसेट बैंक भी है। तो दोनों को क्या करेंगे भाई? दोनों एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, हम डेबिट में लिखेंगे। जून 1 को टू बैलेंस बीडी, कैश कितना है हमारे पास? कैश है 2000 और बैंक में हमारा है 18000। इसके बाद में क्या, रिसीव्ड कैश फ्रॉम राम 4 तारीख को, रिसीव्ड कैश फ्रॉम राम अलाउड हिम डिस्काउंट, राम से रुपया लिया और उसे डिस्काउंट दिया, कितना लिया? 9500 रुपए। तो राम से रुपया लिया है तो आ रहा है, तो डेबिट में लिखेंगे। कब लिखेंगे? 4 तारीख को, टू राम से अकाउंट। क्या आ रहा है? कैश आ रहा है ना, तो कैश बढ़ेगा, कैश कॉलम में लिखेंगे कितना, 9500 9500 और उसे डिस्काउंट दिया है 500 रुपया, तो डिस्काउंट को डिस्काउंट वाले कॉलम में लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद अगला है 6 तारीख को, परचेज स्टेशनरी फॉर कैश, स्टेशनरी खरीदा नगद में खरीदा, तो खरीदा तो पैसा गया हमारे पास से, तो क्या करेंगे? क्रेडिट पे लिखना है। कितने तारीख को? तो 6 तारीख को, जून 6 को बाय क्या खरीदा है? स्टेशनरी खरीदा है, स्टेशनरी अकाउंट। किस कॉलम में लिखेंगे? तो नगद में खरीद रहा है, कैश में खरीद रहे हैं, तो कैश हमारे पास से घटेगा, तो कैश वाले कॉलम में 200 लिख दिया। उसके बाद रहीम 7 तारीख को, रहीम सेटल्ड हिज अकाउंट फॉर ₹5000 लेस 5% डिस्काउंट बाय चेक। रहीम
जिसके पास हमारा पैसा था, बिजनेस का पैसा था, वो 5000 रुपया था और वो पे कर रहा है चेक से फुल सेटलमेंट में। किस तरह से हो रहा है कि 5% उसे डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो 7 तारीख को करेंगे टू रहीम्स अकाउंट कितना, तो 4750, क्योंकि 5000 है पर उसे 5% डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो 5000 का 5% 250 रुपया निकल गया, तो मिलेगा कितने का चेक, मिलेगा 4750 का। और यहाँ पे मेंशन नहीं है पर ये कि चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, लेकिन ये मान के किया जा रहा है, ये मान लिया जा रहा है कि चेक बैंक में जमा हो गया। तो क्या करेंगे भाई, चेक मिला तो किस कॉलम में लिखना है, हमें लिखना है बैंक वाले कॉलम में 4750 और डिस्काउंट में कितना हो गया, तो 250, 5000 का 5% 250, और तो 250 का डिस्काउंट दिया, बाकी 5000 में 250 निकाल दिया तो 4750 रुपया हमें मिला। इससे क्या होगा, बैंक बढ़ेगा, ठीक है। तो बैंक वाले कॉलम लिख दिया। उसके बाद पेड श्याम बाय चेक, श्याम को दिया चेक से 12 तारीख को ही है, तो यहां पेमेंट कर रहे हैं तो हमारा बैंक से पैसा घटेगा, घटेगा तो क्रेडिट में लिखना है। कब लिखना है भाई, तो जून 12 को क्या लिखेंगे, बाय श्याम, बाय श्याम से अकाउंट कितना दे रहे हैं उसे, उसे दे रहे हैं 3300 रुपए। तो कहां से घटेगा, तो बैंक से घटेगा, तो बैंक वाले कॉलम में लिखेंगे 3300। इसके बाद पेड सन्ड्री एक्सपेंसेस इन कैश, सन्ड्री एक्सपेंसेस का पेमेंट किया कैश से, तो कैश घटेगा, तो और पैसा हम दे रहे हैं तो क्रेडिट में करेंगे। 18 तारीख को पेमेंट हो रहा है, क्या किस चीज का भाई, सन्ड्री एक्सपेंसेस का, सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट कितना दे रहे हैं, 300 रुपए नगद में दे रहे हैं, कैश में दे रहे हैं, तो कैश से घटेगा, तो क्या करेंगे, कैश वाले कॉलम में 300, ठीक है। उसके बाद पेड टू राहुल इन कैश, राहुल को दिया, नगद दिया है और उससे डिस्काउंट लिया, एंड रिसीव डिस्काउंट, राहुल को कितना दिया, 1900 रुपया दिया, एंड रिसीव डिस्काउंट 100, तो राहुल को दे रहे हैं, तो पैसा घटेगा हमारे पास से, तो किधर लिखेंगे, पेमेंट कर रहे हैं क्रेडिट में लिखेंगे। 23 तारीख को बाय राहुल अकाउंट किस कॉलम में, तो कैश दे रहे हैं, कैश वाले कॉलम में जाएगा, अच्छा डिस्काउंट भी तो है 1900 रुपया, और उससे हमें डिस्काउंट कितना मिल रहा है, मिल रहा है हमें 100 रुपए का डिस्काउंट। इसके बाद नेक्स्ट विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस यूज के लिए पैसा निकाला बैंक से, तो क्या ये कॉन्ट्रा एंट्री, मैंने आपको बताया कॉन्ट्रा एंट्री ऐसा एंट्री जिसका असर कैश कॉलम और बैंक कॉलम दोनों पे पड़ रहा है, वो कॉन्ट्रा एंट्री है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, ये कॉन्ट्रा एंट्री है, क्योंकि हम कैश निकाल रहे हैं ऑफिस के लिए तो हमारा कैश बढ़ रहा है, बिजनेस में कैश बढ़ रहा है, और वो कैश घट का असर है तो बैंक से घट रहा है, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री है। कितने तारीख को, 24 तारीख को टू बैंक डेबिट में, टू बैंक लिखेंगे किस कॉलम में, हमारा कैश बढ़ रहा है ना, तो कैश वाले कॉलम में कितना, 1000 कैश बढ़ गया, इसलिए कैश का डेबिट में लिखा, और उसी 24 तारीख को क्रेडिट में बाय कैश, बैंक से पैसा घट रहा है तो बैंक वाले कॉलम में लिखेंगे कितना, तो 1000, ठीक है 1000 ही है ना, कैश बढ़ा तो कैश के डेबिट में लिखा, बैंक घटा तो बैंक के क्रेडिट में लिखा, ये क्या है, कॉन्ट्रा एंट्री है। कॉन्ट्रा एंट्री को क्या करते हैं, पहचान के लिए उसके आगे सी लिख देते हैं, सी से कॉन्ट्रा, ठीक है। उसके बाद में विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला, अब पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला तो ड्रॉइंग्स से क्या होगा, बिजनेस में पैसा घटेगा, तो किधर लिखेंगे भाई, घट रहा है तो क्रेडिट में, 28 तारीख को बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट, अच्छा बैंक से निकाल रहे हैं तो बैंक से पैसा घट रहा है तो बैंक वाले कॉलम में दिखाना है कितना, ड्रॉ फ्रॉम पर्सनली 1500 रुपए, 1500 ये निकाला है पर्सनल यूज के लिए।
उसके बाउंड गुड्स बाय चेक, चेक से गुड्स खरीदा जिसका पेमेंट हमने चेक से किया, तो परचेज हो रहा है, इसमें पैसा जा रहा है, घट रहा है, तो क्रेडिट में, और ये क्रेडिट में किस कॉलम है भाई, तो चेक से पेमेंट किया तो बैंक से कटेगा पैसा, कितना 29 तारीख को बाय परचेजेस अकाउंट कितना 5000 किस कॉलम में है, तो बैंक वाले कॉलम में 5000 ये हो गया। और 30 तारीख को है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, नगद में गुड्स बेचा तो रुपया आएगा हमारे पास, तो रिसिप्ट हो रहा है कैश, कैश का रिसिप्ट हो रहा है तो डेबिट में लिखेंगे, रुपया आ रहा है 30 तारीख को, टू किस वजह से आ रहा है, तो सेल के, सेल्स टू सेल्स अकाउंट किस कॉलम में, कैश वाले कॉलम में क्योंकि कैश बढ़ रहा है। ये हो गया, सारे एंट्री कर लिए हमने, अब इसका करना है बैलेंस। कैश कॉलम का डेबिट का टोटल 18,500, 18,500 ठीक है, तो यही टोटल इस तरह भी लिखना है 18,500 किसमें भाई, कैश का कैश से बैलेंस करेंगे, बैंक का बैंक से बैलेंस करेंगे, तो 18,500 टोटल था, 18,500 में इस तरफ घटाते हैं 19,322 तो हमारा कितना हो गया 2, 3, 5, 9, 14, 15 ठीक है, इसके बाद में 16,100 ये बैलेंस निकला, मतलब हमारे पास कैश कितना बचा है, कैश आया हमारे पास इतना 18,500 और इस 18,500 में ये खर्च हुआ है इतना, इसे जोड़कर हमने 18,500 से घटा दिया तो हमारे पास बचा हुआ रुपया कितना है, तो बचा हुआ रुपया है 16,100 और हम लोग बैंक का देख लेते हैं, तो बैंक का टोटल है 22,750 ज्यादा इधर का है, इसी टोटल को उस तरफ भी लिखेंगे 22,750 ये हो गया। अब इसमें हम जो ये रुपया आया हमारे पास है ना, और इसमें से हम ये बैंक में पैसा आया है पहले से बैलेंस था और ये आया और इतना हमने खर्च किया, इसे घटा देंगे तो बचा हुआ बैंक का जो पैसा है वो निकल जाएगा, तो कितना होगा भाई, तो गया ₹11,950 बैंक में बचे, ये हमने बैलेंस किया ठीक है, कैश का बैलेंस कैश से किया, कैश जितना हमारा था इस पर टोटल कर लिया, इसी टोटल को यहां लिखा और इसमें से जितना ये सारा खर्च हुआ पेमेंट किया हमने इसे घटाया तो हमारा बचा हुआ रुपया निकल गया 16,100 और फिर बैंक क्या किया, बैंक का इस तरफ को टोटल था 22,750 ज्यादा टोटल इधर का, इसी टोटल को इस तरफ लिखा और इसमें से क्या किया 22,750 में यहां से लेकर यहां तक जो खर्च किया हमने इसे घटा दिया तो हमारा बचा हुआ बैंक में रुपया निकल गया 11,950 और डिस्काउंट का बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, जिधर का जो जो टोटल है उसे उस तरफ लिख देना है बस, जैसे इस तरफ है 750 इधर 750 लिख दिया हमने और इस तरफ जो है डिस्काउंट का टोटल है 100 बस उसे लिख देना, तो डिस्काउंट का हमें बैलेंस करना नहीं है ठीक है। ये हो गया, इसे हम बैलेंस जो करते हैं कब करते हैं भाई, एंड ऑफ द मंथ जून है तो जून 30 को महीने का अंत होगा, इस दिन हमने बाय बैलेंस सीडी और ये बैलेंस कैरी करेंगे नेक्स्ट मंथ में, मतलब जुलाई 1 को टू बैलेंस डीडी कितना, तो कैश हमारे पास बचा हुआ है 16,100 और बैंक में बैलेंस बचा हुआ है 11,950 तो ये रहा थ्री कॉलम कैश बुक।
इसके आगे और भी थ्री कॉलम कैश बुक देखेंगे हम। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलेंगे नहीं। थैंक यू।